अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर नेशनल मैथमेटिक्स डे के अवसर पर भारतीय महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का स्मरण करते हुए गणित के एक रोचक एवं बेहतरीन लर्निंग लेकर हम उपस्थित हैं। वर्तमान गणित अध्यापन में रोचकता शामिल नहीं किए जाने के कारण आज यह विषय बहुतों के लिए हवा जैसा बन गया है, जबकि भारतवर्ष की गणित की परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। भारती कृष्णा तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित वैदिक गणित तो विश्व के तीव्रतम गणितों में अग्रणी है। भारतीय वैदिक गणित के क्रम में चीन, जापान का अबेकस तथा यूरोप का टेकनबर्ग सिस्टम आता है। लेकिन वैदिक गणित की विशेषता यह है कि इसे सामान्य बुद्धिमत्ता का व्यक्ति भी सीख सकता है। यह रोचक है तथा केवल 16 मूलभूत सिद्धांतों या फॉर्मूलों की मदद से दुनिया की किसी भी प्रकार की गणितीय समस्या का हल सेकंड्स में वैदिक गणित की मदद से निकाला जा सकता है। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे के अवसर पर गणित के जादू, मनोरंजक ट्रिक्स तथा गणित को रोचक बनाने की चर्चा लेकर गणित विषय के विशेषज्ञ एवं प्रोफेसर डॉक्टर नीलेश पांडे जी हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं प्रमोद श्रीवास्तव, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, नगर शिक्षा केंद्र 1 जबलपुर, उनका भावभीना स्वागत करता हूँ तथा हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नीलेश पांडे जी के बारे में बताते हुए गौरव महसूस कर रहा हूँ कि डॉक्टर पांडे जी हितकारी महिला महाविद्यालय जबलपुर के प्राचार्य हैं, महर्षि विश्वविद्यालय में बोर्ड ऑफ स्टडी मैथमेटिक्स के चेयरमैन हैं, विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति माननीय SS पांडे जी के मार्गदर्शन में इन्होंने अपना शोध कार्य पूर्ण किया है तथा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कई शोध कार्य इन्होंने करवाए हैं तथा वर्तमान में भी इन्हीं कार्यों में ये रत है। डॉक्टर पांडे को अंकों का जादूगर भी कहा जाता है क्योंकि वैदिक गणित की सहायता से वे बड़ी से बड़ी गणनाओं को चुटकी में हल करने की संक्रिया बताते हैं। पुनः हमारे ऐसे एक्सपर्ट तथा आप सभी विषय के जिज्ञासुओं का मैं प्रमोद श्रीवास्तव हृदय तल से स्वागत करता हूँ। चलिए इन पंक्तियों को दोहराकर गणित की हमारी समृद्ध विरासत का गौरव महसूस करते हैं। जो जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। और अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ गणित को जादुई रूप में समझने के लिए हम बहुत ही आदर व सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हमारे आज के वैदिक गणित के एक्सपर्ट माननीय डॉक्टर नीलेश पांडे जी को।
आज हम लोग गणित दिवस के इस अवसर पर राज्य विज्ञान शिक्षा केंद्र ने मुझे आमंत्रित किया डॉक्टर प्रमोद श्रीवास्तव जी के माध्यम से। और जो आपका स्लोगन है सर, आप पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसको जी, चरितार्थ करते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि थोड़ी ऐसी मैथ्स की ट्रिक हम लोग आज करेंगे कि बच्चों में इंटरेस्ट आएगा और जो टीचर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मेरा मानना ऐसा है कि अगर गणित को एंजॉयफुल बना दिया जाए, थोड़ा जादुई रूप में उसको अगर बच्चों के सामने रखा जाए तो बच्चों के मन से डर खत्म होगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी जो हमारी वाली पीढ़ी है और हमसे जो पहली वाली पीढ़ी है, उस समय तक अगर ग्रेजुएशन किसी का मैथमेटिक्स से होता था तो लोग बड़े गांव में चाव से बता देते कि अरे ये तो गणित में बीएससी किया हुआ है, गणित में पीजी किया हुआ है। तो हमको हमारी जो पढ़ाई है गणित की, हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चों में इंटरेस्ट आए, बच्चों में जो गणित का डर है वो भाग जाए। तो इसी को मैंने कुछ गणित को जादू रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है, कुछ 50-100 ट्रिक बना के। वाह आज हम रामानुजन जी का जन्म दिवस गणित दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सबको विदित है कि वो महज 32 साल की उम्र में ही ईश्वर के पास चले गए थे। उनकी जन्मतिथि 22 दिसंबर 1887 थी और पुण्यतिथि 26 अप्रैल 1920 थी। हम उनके जन्मतिथि और पुण्यतिथि से ही गणित का प्रारंभ करते हैं। रामानुजन जी ने अंक गणित पर सारे शोध किए, करीब 3,500-4,000 प्रमेय उन्होंने शोध की। उनकी जो प्रमेय है वो आज भी शोध का विषय बनी हुई है। प्रोफेसर जी एच हार्डी के साथ उन्होंने काम किया और हार्डी प्रोफेसर के साथ मिलकर कई थ्योरम उनके आज भी रिसर्च के लिए लोगों में कौतूहल का विषय बने हुए हैं। हम मैथमेटिक्स में जानते हैं बीजांक हम लेते हैं और जन्मांक लेते हैं। बीजांक एक छोटी सी चीज होती है, जैसे कोई नंबर है, सपोज 22 है, तो 22 को अगर हम उन दोनों अंकों को ऐड करते हैं, 2 + 2 = 4, तो दैट इज बीजांक। बने हुए इसको हैं। हम लोग हम बीजांक मैथमेटिक्स बोलते जानते हैं। हैं, बीजांक हम लेते हैं और जन्मांक लेते हैं। बीजांक एक छोटी सी चीज होती है, जैसे कोई तो नंबर है। रामानुजन जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 22 दिसंबर 1887। अब अगर हम इसका बीजांक निकालें तो ये होगा 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 8 + 8 + 7। इसको जब हम सम करते हैं तो हमको मिलता है 31, 31 हमको मिलता है, 31। और 31 को हम अगर फिर से ऐड करें तो 3 + 1 = हमको 4 मिलता है। ये उनकी बिल्कुल जन्मतिथि का बीजांक है। ऐसे ही अगर हम उनकी पुण्यतिथि का बीजांक निकालते हैं तो उनकी पुण्यतिथि है 26/4/1920, तो दैट इज 2 + 6 + 0 + 4 + 1 + 9 + 2 + 0। और जब हम इसका सम करते हैं तो हमको मिलता है 23, और 23 को जब हम फिर से ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 2 + 3 = 5। तो देखिए कितना बढ़िया संयोग है कि उनका जन्म हुआ 4 को और उनकी मृत्यु होती है 5 को, जो कि 32 साल की महज उम्र में ही वो भगवान के पास चले गए थे। तो उनका डेट ऑफ बर्थ और उनकी पुण्यतिथि वो भी इसको चरित्रार्थ करती है कि 4 के बाद सीधे सीक्वेंस आ जाता है 5, बिना कोई भी नंबर को गैप किए। तो अंक गणित इसी को आगे, बीजांक को ही आगे हम लोग बेस बनाते हुए आगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ जादुई ट्रिक करेंगे, और उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी आगे के व्याख्यान में आपको बताएंगे कि बच्चों को कैसे आपको शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व कराना है कि उसमें मैथ्स के इंटरेस्ट आए। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक गणित की बात कर रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के नाम से। हम देखेंगे कि नाम सबके अलग अलग हैं, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो सबका सेम आता है। तो जितने लोग भी इस कॉन्फ्रेंस में ऐड हैं, इस व्याख्यान में ऐड हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कॉपी पेन लेके बैठे या फिर कैलकुलेटर रख लें साथ में, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होगी तो आपका नाम भी गलत आएगा, रिजल्ट गलत आएगा। और जिसको कंफ्यूजन होगा, प्रमोद श्रीवास्तव जी से मेरा आग्रह है कि जिनको भी पूछना होगा तो उनको अनम्यूट कर देंगे तो पूछ सकेंगे, बोथ साइड कन्वर्सेशन होगा तो मजा आएगा गणित में। डेफिनेटली तो जैसे आपका नाम, कि आपको अपने नाम के अक्षरों की संख्या लिखनी है पहले। आप चाहो तो अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हो, मिडिल नेम और सरनेम तीनों को मिला के लिख सकते हो, या केवल फर्स्ट नेम लिख सकते हो।
जैसे मेरा नाम है नीलेश, NEELESH, हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे NEELESH, तो 7 अक्षरों का हो गया, तो हमने उसको लिख दिया अंकों में 7। ऐसे ही सबको अपने अपने नाम की अक्षरों की संख्या लिखना है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे वेद हैं 4, तो हम क्या करेंगे, इस अक्षरों की संख्या में 4 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा इसलिए क्योंकि हमारे वेदों की संख्या 4 होती है, 4 का गुणा करेंगे। 4 का गुणा करने के पश्चात हम इस गुणनफल में 5 का योग कर देते हैं, गुणनफल में 5 का योग कर देंगे। 5 इसलिए कि जो तत्व हैं वो 5 होते हैं, 5 का हम योग करेंगे। उसके बाद योगफल जो आपको मिल रहा है 5 का योग करने के बाद, इस एडिशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 हमने इसलिए लिया है कि सूर्य और चंद्रमा 2 हैं जिनके हम लोग सुबह शाम रात को दर्शन करते हैं, तो हमने सूर्य चंद्रमा को 2 अंक माना और इस योगफल को 2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद हमारे पास वसु जो हैं हमारे शास्त्रों में वो 8 होते हैं, तो हम 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, 8 से हम इस संख्या को भाग दे देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने क्या किया है, पहले हम लोगों ने अपने नाम के अक्षरों की संख्या लिखी हुई है, फिर हमने उसमें 4 से गुणा किया है, फिर हमने उसमें 5 का योग किया है, फिर हमने उसमें 2 से गुणा किया है, और जितनी संख्या आ रही है हमने उसको 8 से भाग दे दिया है। आप सभी लोग देखेंगे कि आप सभी के नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके पास शेष फल 2 बच रहा है। बिल्कुल सर, सबके पास शेष फल 2 ही आएगा। बिल्कुल, चाहे नाम किसी का कितना बड़ा हो, 2 अक्षर का नाम हो, 4 अक्षर का नाम हो, 10 अक्षर का नाम हो, लेकिन आपके पास रिमेनिंग 2 ही बचेगा। ऐसा कोई अगर हो जिसके पास 2 नहीं आ रहा है तो बताए। 2 ही आया। बिल्कुल सर, 2 ही आ रहा है। जी जी। अब इसी बीजांक पे आधारित हम एक और कैलकुलेशन करते हैं। बीजांक अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो समझ ले, बीजांक का मतलब अंकों को आपस में जोड़ना, और तब तक जोड़ना जब तक आपको एक सिंगल डिजिट का नंबर ना मिल जाए, इसको हम लोग बीजांक बोलते हैं। तो बीजांक पे आधारित एक और ट्रिक है, हम आपके मोबाइल नंबर से आपका बर्थ ईयर फाइंड आउट करेंगे। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर सबका यूनिक होता है, दो मोबाइल एक ही नंबर 2 लोगों का नहीं हो सकता, मोबाइल नंबर सबका यूनिक है, आपके मोबाइल नंबर से आपकी बर्थ ईयर फाइंड आउट करेंगे। ये भी बीजांक पे डिपेंड है, हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि ऐसा होता क्यों है। पहले हम लोग थोड़ा जादू देख लें और उसके बाद उस जादू को कैसे कर रहे हैं वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने फोन नंबर के अंतिम के 4 अंकों को लेना है, आपके फोन नंबर के अंतिम के 4 अंकों को लेना है। अब इन 4 अंकों के स्थान को परिवर्तित कर दें आपस में। हमने लास्ट के 4 अंक लिए हैं, जैसे श्रीवास्तव सर का लास्ट का नंबर है 3610, हमने ये 4 डिजिट लिया और हमने इसके नंबर को चेंज कर दिया, सपोज हमने इसको कर दिया 6310, पहले नंबर था 3610 लास्ट डिजिट, फिर हमने इसको कर दिया 6310। अब जो नया नंबर मिला है 4 अंकों का और जो पुराना 4 अंकों का नंबर है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। जैसे श्रीवास्तव सर का नया नंबर हो गया 6310, ये बड़ा है पहले वाले से, पहला था 3610, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपको 4 डिजिट का फिर से एक नंबर मिल रहा है, हम इसका बीजांक निकाल लेंगे। जो भी आपको 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है उसका आप बीजांक निकाल लीजिए। बीजांक निकालने के बाद हमने इसमें 20 को ऐड कर देना है, 20 ऐड कर देना है, 20 ऐड कर दिया। अब आपको इसमें जो आपके पास मिल रहा है 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर, अब आपको इसमें बर्थ ईयर अपना ऐड कर देना है, बर्थ ईयर पूरा ऐड करना है। जैसे मान लीजिए किसी का 1980 है तो वो पूरा 1980 ऐड करेगा।
मैं फिर से बता देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या किया है। हम लोगों ने पहले अपने मोबाइल नंबर के लास्ट की 4 डिजिट ली, उसके नंबर को आपस में परिवर्तित किया, फिर जो बड़ा नंबर मिला उन दोनों नंबर की हमने तुलना की, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो नया नंबर हमको मिल रहा है 4 डिजिट का, हमने उसका बीजांक निकाला। बीजांक निकाल सर माइक फिर म्यूट हो गया। 20 ऐड करने के बाद उसमें अपना जन्म जोड़ दिया है, जन्म नंबर पूरा 4 अंकों का, वो आपने उस बारे कि उनकी लास्ट की 4 डिजिट 20 को ऐड करने के बाद क्या रहा है। 1996 कोई भी एक जन बताए तो मैं उस 1996 अगर कैलकुलेशन सही है तो इनका बर्थ ईयर होगा 1967। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, जोरदार क्लैप आपके लिए, बिल्कुल बढ़िया। और कोई भी अगर बताना चाहे तो अपना बर्थ ईयर अगर फाइंड आउट करना है तो असली में सर बाकी सब यूट्यूब में जुड़े हैं, आप और हम केवल जूम पे हैं। अच्छा, ठीक है सर, बाकी सारे यूट्यूब से हैं। जी जी जी, इसीलिए हम आपके साथ कैलकुलेशन बर्थ ईयर निकालने के बाद, ठीक है सर, ठीक, बर्थ ईयर के बाद हम लोग निकालते हैं आपकी जन्म तारीख क्या होगी। जन्म तारीख के लिए कैलकुलेशन करते हैं, बर्थ ईयर आ गया है, अब जन्म तारीख निकाल के देखते हैं। आपको क्या करना है, आप जिस माह में पैदा हुए हैं उस महीने की संख्या को अंकों में लिखना है। जैसे कोई अप्रैल में होता है तो 4 लिखेगा, जो भी जिस माह में आप पैदा हुए हैं उस महीने की संख्या को लिख लीजिए। अब उसमें 5 का गुणा कर दीजिए, उस संख्या में 5 का गुणा कर दीजिए, जो आपको गुणनफल प्राप्त हो रहा है उस गुणनफल में 6 को जोड़ दीजिए, उस गुणनफल में 6 को जोड़ दीजिए। अब जो आपको योगफल प्राप्त हो रहा है उसमें आप 4 का गुणा कर दीजिए, आपको जो भी योगफल प्राप्त हो रहा है उसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा करने के बाद जो प्राप्त गुणनफल है उसमें आप 9 को जोड़ दीजिए, प्राप्त गुणनफल में 9 को जोड़ दीजिए। जी 9 को जोड़ने के बाद जो आपको योगफल मिल रहा है उसमें आप 5 से फिर गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए। जी 5 से गुणा करने के बाद अब जो आपकी जन्म की तारीख है उसको ऐड करना है। जैसे किसी का 22 दिसंबर है तो वो 22 ऐड करेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्या क्या प्रोसेस हम लोगों ने किया है। सबसे पहले जिस माह में हम पैदा हुए हैं फिर हमने उसमें 5 का गुणा कर जोड़ा, 6 जोड़ने के बाद जितना आया हमने उसमें 4 का गुणा किया, 4 का गुणा करने के बाद हमने उसमें 9 जोड़ा, 9 जोड़ने के बाद जितना आया हमने उसमें 5 का गुणा किया, और 5 का गुणा करने के बाद जितना आया उसमें हमने अपनी जन्म तारीख जोड़ दिया। जन्म तारीख जोड़ने के बाद वही नंबर आ रहा है सर, आप बात तो मैं आपकी 881 आ रहा है सर, 881। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आपकी बर्थ डेट बताता हूं। अगर 881 आपका कैलकुलेशन सही है सर तो आपकी जो बर्थ डेट है वो होनी चाहिए 5 जुलाई। जी सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, फिर से जोरदार क्लैप, बिल्कुल सही, 16 जुलाई होगी। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने हमने अभी देखा बर्थ ईयर आया और बर्थ ईयर के बाद हमने
सेशन में तारीख भी निकाल सकते हैं ना, थोड़ा नहीं तो दिन भी निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट टाइम भी निकाल सकते हैं कि आप किस दिन को हुए हो और आपका बर्थ टाइम क्या था, वो भी हम लोग बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये सब वैदिक मैथमेटिक्स का परिणाम है कि हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक बर्थ ईयर निकालने की एक और बहुत छोटी सी ट्रिक है, जो भी आपका बर्थ ईयर है पहले हम उसको लिख लेंगे, जो भी आपका बर्थ ईयर है हम उसको लिख लेते हैं। सपोज किसी का 1990 है, 1990 है, तो हम पहले 1990 लिख लेंगे, उसके बाद हम उसमें अगला ईयर जोड़ देंगे, मतलब 1990 प्लस 1990 का और जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो हमारे पास आ रहा है हमने उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, हमने उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम उसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 5 डिजिट का नंबर मिलता है। इस 5 डिजिट के नंबर में जो पहला अंक है इकाई का, अगर हम उसको हटा दें तो आपको अपना बर्थ ईयर मिल जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है, ये हर नंबर में होता है। आप किसी भी नंबर को अगर, जैसे आपने 2 लिया और 2+3 करते हैं तो दैट इज 5, और अगर आप उसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 25 मिलता है। तो अगर आपने 5 को हटा दिया तो आपके पास वापस पुराना वाला नंबर जो आपने लिया था वो 2 मिल जाएगा। तो ये जनरल कैलकुलेशन है, इट्स डिपेंड ऑन नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर के सिस्टम पे हमने इसको बर्थ ईयर से जोड़ के थोड़ा उसको मैजिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम देखें तो नंबर सिस्टम में जैसे हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, हमने अगर 4 नंबर लेते हैं तो हम देखें तो बीच वाले दोनों नंबर का सम पहले और लास्ट वाले के सम के बराबर होता है। 2+3=1+5, 1+4 दोनों में 5 ही आएगा। तो ऐसे छोटी छोटी सी संक्रियाओं को हमने दैनिक जीवन से जोड़ के, कहीं मोबाइल नंबर से, कहीं आपकी बर्थ ईयर से, कहीं हमने डेट ऑफ बर्थ से जोड़ के, और फिर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट आए बच्चों में। अभी ऐसा ही एक और कैलकुलेशन है, एक 3 डिजिट का नंबर आपको सोचना है अपने मन में, और वो 3 डिजिट का नंबर आपने क्या सोच के रखा है वो कुछ कैलकुलेशन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि वो 3 डिजिट का नंबर आपने क्या सोचा है। तो कोई भी आप 3 अंकों का नंबर लिख लीजिए, कोई भी 3 अंकों का नंबर लिख लीजिए, बस उसमें शर्त यह है कि नंबर 0 से स्टार्ट ना हो, क्योंकि वो 2 डिजिट का ही फिर कहलाएगा। 3 डिजिट का आप नंबर लिख लीजिए, इस नंबर को 2 से गुणा कर दीजिए या इसको दुगना कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने के बाद इसमें 4 को ऐड कर दीजिए, 2 से गुणा करने के बाद इसमें 4 को ऐड कर दीजिए। 4 ऐड करने के बाद जितना आ रहा है उसमें आप 5 से गुणा कर दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा करने के बाद जो आया उसमें अब आप 12 को ऐड कर दीजिए, 12 को जोड़ना है। मैं रिपीट कर रहा हूं कैलकुलेशन, आपने एक 3 अंकों का कोई संख्या ली है 3 अंकों की, उस 3 अंकों की संख्या में आपने 2 से गुणा कर दिया या उसको दुगना कर दिया है, फिर उसमें आपने 4 को ऐड कर दिया है, इस संख्या में 4 को आपने ऐड किया है, और जो योगफल आया उसमें आपने 5 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा करने के बाद इस गुणनफल में आपने 12 को ऐड कर दिया, 12 को आपने ऐड किया है। जो नंबर बताएंगे आपके पास क्या नंबर आ रहा है? 1782। आपके पास लास्ट नंबर आया है। आप माइक बंद हो गया सर, फिर से माइक आपका बंद हो गया। आपका स्टार्टिंग का नंबर है 175। बिल्कुल सही है सर, जोरदार आपके लिए तालियां, बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही 175। ये आपने स्टार्टिंग में नंबर सोचा था, इसमें कुछ नहीं करना है। जो लास्ट में आपके पास आया है 178, हमने उसमें 1782 था उसमें हमने 0 लगा दिया, और 0 लगाने के बाद 320 को माइनस कर देना है।
अच्छा अच्छा जी जी जीरो लगाने के बाद 320 को माइनस कर देना है, उसके बाद जो नंबर मिलेगा उसमें आपको फर्स्ट यूनिट प्लेस और 10th प्लेस को हटा देना है, तो आपका पुराना नंबर आपको वापस मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से अगर हम लोग बताते हैं बच्चों को, इस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे अगर हम, तो हमारे ख्याल से उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा डर खत्म होगा। अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं, सर का नंबर तो हमको दिख ही रहा है, मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर फाइंड आउट करने का सर एक कैलकुलेशन कराना चाहते हैं कि आप किसी से कैलकुलेशन करा के उसका मोबाइल नंबर कैसे फाइंड आउट करे हुए। आप चाहें तो जो आपका मोबाइल नंबर हमको दिख रहा है आप कोई दूसरा नंबर, कोई दूसरा नंबर ले लें, बिल्कुल बिल्कुल दूसरा नंबर ले लें और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। जी तो आपको क्या करना है, कोई भी दो अंकों की संख्या लेना है, दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंकों की संख्या ले लें जी। इस दो अंकों की संख्या में अगली संख्या जोड़ दें, सपोज हमने अगर लिया है 13 तो हम अगला नंबर उसमें जोड़ देंगे 13 प्लस 14। जी। अगली संख्या जोड़ने के बाद जो आपको मिल रहा है उसमें हम 9 को जोड़ देंगे, उसमें हम 9 को जोड़ देंगे जी। बिल्कुल। अब जो आपके पास आ रहा है 9 को जोड़ने के बाद उसपे हम 2 से भाग दे देंगे जी। हम 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने के बाद जो आपने पहले संख्या सोची थी उस संख्या को घटा देंगे, जो आपने पहले संख्या सोची थी उस संख्या को हम घटा देंगे जी। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, पहले हमने कोई भी दो अंकों की संख्या ली है, इस दो अंकों की संख्या में उसकी अगली संख्या को हमने जोड़ दिया है, इस दो अंकों की संख्या में हमने अगली संख्या को जोड़ दिया है, अगली संख्या को जोड़ने के बाद जो हमारे पास आया हमने उसमें 9 को जोड़ दिया है, और 9 को जोड़ने के बाद जो आपको संख्या मिली है आपने उसको 2 से भाग दिया है, जो आपको संख्या मिली है उस संख्या को आपने 2 से भाग दिया है, 2 से भाग देने के बाद जो आपको संख्या मिल रही है उसमें से आपने जो पहली वाली संख्या थी उस संख्या को माइनस कर दिया है। अब माइनस करने के बाद आपके पास एक 1 डिजिट का एक नंबर मिल रहा है जी। अब आपको इस नंबर में अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर ऐड करना है। शर्त यह है कि मोबाइल नंबर में जो नंबर ऐड होगा वो लास्ट का जो नंबर है आपके मोबाइल का उस पे ऐड होगा, स्टार्टिंग में ऐड नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे ऐड होगा, तो लास्ट वाले पे ऐड करके बताइए सर कितना आ रहा है, पूरा नंबर बता देना है जी। तो पूरा पूरा ही नंबर आ जाएगा, 10 डिजिट का नंबर आ रहा होगा सर एक, नहीं ये जो लास्ट जो हमारा आंसर बचा है उसमें अपना नंबर नहीं, लास्ट जो आपने आपने जब जो 2 से भाग देने के बाद जी, 2 से भाग देने के बाद जो आया उसमें से जो आपने पहले संख्या ली थी उसको घटा दिया जी हाँ घटा दिया। अब घटाने के बाद जो संख्या मिली है इसमें आपको अपना पूरा मोबाइल नंबर जोड़ना है तो पूरा नंबर, लेकिन मोबाइल नंबर की लास्ट वाली डिजिट पे जुड़ेगा ये, तो ये तो पूरा ही नंबर हो जाएगा लेकिन, हाँ 10 डिजिट का मिलेगा ना पूरा, लेकिन एक्चुअल नंबर नहीं रहेगा। चलिए नंबर है 9826 94 7 7 9 9 8 2 6 9 4 7 7 6 9 6 9। ये आपने आपके पास जो आपने पहले वाली संख्या 2 से भाग देने के बाद जो पहले वाली संख्या थी उसको घटा दिया जी हाँ, उसके बाद जितना आया उसमें आपने मोबाइल नंबर जोड़ा है जी हाँ। आपका मोबाइल नंबर होगा सर, अगर कैलकुलेशन सही है आपका मोबाइल नंबर होगा 9 8 2 6 9 4 7 7 6 4। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है, एकदम सही है जी, आंसर सही है जी, 4 7 7 6 4। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि आपके सबके पास 5 बच रहा होगा, लास्ट में पांच ही बचेगा हर बार,
और पांच में हमने आपका मोबाइल नंबर ऐड करा दिया जी हाँ। हर बार पांच बचेगा, चाहे आप कोई भी संख्या ले दो हमको, कि जो बीच का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऐसा है कि लास्ट में फाइव ही बचेगा। अब फाइव में हमने आपका मोबाइल नंबर ऐड कराया जी, और जब आप हमको दिया। बताते हो तो हमने फाइव को माइनस कर दिया जी, तो आपके पास आपका मोबाइल नंबर वापस आपके पास आ जाता है। बहुत अब हम कुछ कैलकुलेशन कराना चाहेंगे सर, जो स्क्वायर रूट वगैरह निकालते हैं, जी, वर्ग निकालना है, छोटे बच्चों को बताना है कि वर्ग कैसे होगा, उसके बाद फिर से हम लोग कुछ ट्रिक करते हैं। तो ऐसी संख्याएं हम वर्ग के लिए आपको बता रहे हैं, टू डिजिट और थ्री डिजिट का वर्ग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में पांच आता है, जैसे आपको निकालना है 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का आपको वर्ग निकालना है, तो आपको क्या करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, पांच का वर्ग सबको याद रहता है कि पांच का वर्ग 25 है, तो पांच का वर्ग आपने लिख लिया 25, और बगल में जो थ्री है तो थ्री के नेक्स्ट नंबर जो भी आता है, जैसे थ्री का नेक्स्ट नंबर है फोर, तो आपको थ्री में फोर का गुणा कर देना है, थ्री में फोर का मल्टीप्लाई करना है, दैट इज हो जाता है 3 × 4 = 12। तो जो आपका स्क्वायर है, पहले आपने 25 लिखा था लेफ्ट में, राइट में आप 12 लिख लोगे तो आपका स्क्वायर हो जाएगा 1225। 1225 ये 35 का स्क्वायर होता है। आप इसको 75 में भी अप्लाई कर सकते हो, तो 75 का 5 का 25 और 7 × 8 = 56। ऐसे ही आप इसको थ्री डिजिट में भी अप्लाई कर सकते हो, सपोज हमें 125 का फाइंड आउट करना है, तो 125 का भी आसान है, आप 5 का निकाल लोगे पहले 25 और 12 का 13 में मल्टीप्लाई करते हो तो दैट इज 15625, ये आपका 125 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है, हम इसको डेसिमल में भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपको 3.5 का निकालना था तो 3.5 का वैसे ही निकलेगा जैसे 35 का था, बस क्या होगा कि जो आंसर है, आंसर में हम दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 3.5 है एक अंक के बाद, तो वहां पर हम दो अंक के बाद लगा देंगे, तो 3.5 का स्क्वायर है वो 12.25 हो जाता है। ये हमको यूज होता है, हम लोग 10th क्लास में क्षेत्रमिति वगैरह पढ़ाते हैं, तो वहां पर पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर, और वहां पर आर की वैल्यू अगर डेसिमल में दी है तो स्क्वायर करने में जनरली टीचर्स बता देते हैं 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर कैलकुलेशन आसानी से होगा तो बच्चों से आ जाएगा। ये तो हो गया कि जब लास्ट में आपके 5 है, अब अगर कोई भी संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सपोज अगर आपके पास है 83 का स्क्वायर निकालना है, अब लास्ट में कोई कंडीशन नहीं है कि लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए, सपोज आपको 83 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 को हमको लिखना है 09 के फॉर्म में। 83 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर हम निकालेंगे, हम इसको लिखेंगे 09, जैसे हमने 25 लिखा था वैसे हम 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 09 इसलिए क्योंकि हम 2 डिजिट का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने 09 लिख लेना है, तो हमने 3 का लिख लिया 09। अब बच रहा है लेफ्ट हैंड में 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाता है 64। तो आपके पास जो नंबर है, आपके पास नंबर आ गया है 6409, ये नंबर आ गया है। अब आपको क्या करना है, जब हम 83 का स्क्वायर लिखते हैं तो हम लिखते हैं 83 ब्रैकेट लगाते हैं और उसके ऊपर 2 की पावर लगा देते हैं, ये कहलाता है 83 का स्क्वायर जो जनरल हम लोग रीड करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24, और जो पावर लगी हुई है उस पावर को अंकों के फॉर्म में लेके उसका भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 × 3 हो गया 24 एंड 24 × 2 हो गया 48। तो अब आपके पास पहले नंबर था 86409 और अब आपके पास आ गया है 48, तो आपको 48 को कहां पे लिखना है, पहला और लास्ट वाली डिजिट को छोड़ दें, बीच वाली डिजिट के नीचे, मतलब 6409 है तो आपको 40 के नीचे 48 को लिखना है, 40 के नीचे 48 को लिखना है। अब आपके पास दो नंबर हो गए हैं, एक नंबर है 6409 और दूसरा नंबर है 48, 48 को आपने मिड वाले दो नंबर के नीचे लिखा है, इन दोनों नंबर को सम कर दीजिए,
6889 आप सम करेंगे आपके पास आएगा 6689 दैट इज द स्क्वायर ऑफ 83। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का टू डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आप 47 का स्क्वायर ट्राई कर सकते हैं, 57 का ट्राई कर सकते हैं, 67 का ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप 47 का निकालोगे तो इजी आपका 1209 आ जाता है। तो इस तरीके से आप किसी का भी स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात आती है। अब मल्टीप्लिकेशन में सपोज हमको मल्टीप्लाई करना है 63 मल्टीप्लाई बाय 12 या 63 मल्टीप्लाई बाय 11। तो जनरली क्या करते हैं लोग, 63 मल्टीप्लाई बाय 11 में सीधे मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। 1 का एक बार करेंगे, फिर 1 का करेंगे। आपको इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, 11 जो है वो 10 से एक ज्यादा है बस। तो आप 63 में एक जीरो लगा दीजिए आगे, तो आपको मिल जाएगा 630। और फिर से एक बार 63 लिख दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपको इजिली मिल जाएगा 693। ऐसे ही अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है तो 630 और 2 का मल्टीप्लाई 63 में आसान होगा, तो आप उसको लिख के भी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से और इजी बना के हम लोग इसको, अगर ये वाले कैलकुलेशन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो बच्चों को भी आसान होगा और हम लोगों को जो कैलकुलेट, तो थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब एक दो ट्रिक और करते हैं, या आपको ये कैलकुलेशन ही करना है तो एक ट्रिक और बता देते हैं कि आप अपने भाई बहन और दोस्त है अगर आपके, तो आप उनकी संख्या कैसे निकालेंगे। आपके कितने भाई हैं, आपकी कितनी बहनें हैं, आपके कितने दोस्त, ये जाती है कि सामने वाला, तो इसमें थोड़ा तो कह जाएगा। लेकिन जब दोस्त की बात आती है तो कई बोलते हैं हमारे 50 हैं, कई बोलते हैं हमारे 100 हैं, तो वैसा आपको नहीं लेना है, बिल्कुल क्लोज जो फ्रेंड है वो लेना है आपको, तो उससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान रहेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने जितने भाई हैं वो लिख लेना है, भाइयों की संख्या लिखने के बाद उसमें 2 से गुणा करना, गुणनफल में देना है। की संख्या लिखने के बाद उसको 2 से गुणा किया, 2 से गुणा करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आया उसमें आपने 3 को ऐड कर दिया। 3 को ऐड करने के बाद आपने उसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आ रहा है उसमें आप जो आपकी बहनें हैं जितनी बहनों की संख्या को ऐड कर दीजिए। अगर किसी की बहन नहीं है तो 0 ऐड करेगा, बहनों की संख्या को ऐड कर दीजिए, जितना आ रहा है उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आ रहा है उसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें दोस्तों की संख्या को जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें दोस्तों की संख्या को जोड़ दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आप अपने भाइयों की संख्या लिखेंगे, भाइयों की संख्या लिखने के बाद उसको दो, चलिए शायद लिंक टूट गया है। वैदिक गणित की बातें चल रही थी, तो वैदिक गणित जो है इंडिया की फास्टेस्ट मैथ्स है। यूरोप की अगर फास्टेस्ट मैथ्स की बात की जाए तो ट्रेकनबर्ग, चीन और जापान का अबेकस, लेकिन वैदिक मैथ्स जो है उसकी जो विश्व की सबसे मतलब अच्छा मैथ्स, उसे इसलिए माना जाता है कि उसकी ब्यूटी ये है कि अगर जैसे नॉर्मल हम जो अपना कैलकुलेशन विद्यालयों में हम लोग बात करते हैं तो वो केवल और केवल हम यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं, लेकिन वैदिक मैथ्स की ब्यूटी यह है कि कैलकुलेशन हम यूनिट प्लेस से भी कर सकते हैं और हम टेंस प्लेस से भी कर सकते हैं, और दोनों केसेस में आंसर बहुत सही आते हैं। तो यहाँ पर चूँकि हम एक परिचर्चा के लिए मौजूद थे, डॉक्टर साहब हमारे चीफ गेस्ट थे,
तो इसीलिए हम लोगों ने अपने सामने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रखी है कि ब्लैक बोर्ड हो, तो फिर से फ्यूचर में हम आपके पास एक फिजिकल वैदिक मैथ्स का पूरा पूरा एक सिलेबस लेकर उपस्थित होंगे। वैदिक मैथ्स आपको करने के बाद, उसका जो तरीके हैं उसमें इंटरेस्ट देखने के बाद, आपको लगेगा कि वैदिक मैथ्स के तरीकों से अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो बड़े बड़े अंकों का कैलकुलेशन भी बहुत इजीली हम कर सकते हैं, सेकेंड्स में कर सकते हैं। और पुनः ये डॉक्टर साहब उपस्थित हो रहे हैं तो एक बार देखते हैं। तो बड़े बड़े अंकों के कैलकुलेशन भी आप सेकेंड्स में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे नॉर्मल हमारे तरीके होते हैं उसमें हमें अगर क्रॉस चेक करना है तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है फिर से उस संक्रिया को करने के अलावा। तो अभी जो डॉक्टर साहब ने बीजांक का जो आपको दिया, जिसको डिजिटल रूट भी कहते हैं, अगर उसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो वैदिक मैथ्स में एक संक्रिया को फिर दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। और चलिए डॉक्टर साहब हमारे बीच में फिर से मौजूद हैं, तो पुनः डॉक्टर साहब को मंच देते हैं। डॉक्टर साहब कैरी ऑन। मैं एक बार फिर से रिपीट एक बार मैं जी सर पहले भाइयों की संख्या को लिखना है, जी उसमें आपको दो से गुणा करना है। दो से गुणा करने के बाद उसमें थ्री को ऐड करना है। थ्री को ऐड करने के बाद जो योगफल आया उसमें पांच से गुणा किया। पांच से गुणा करने के बाद बहनों की संख्या को जोड़ना है और उसके बाद उसमें 10 से गुणा करना है। 10 से गुणा करने के बाद जो लास्ट में आ रहा है उसमें आपको दोस्तों की संख्या को जोड़ देना है। जोड़ देना जी। आपको 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर मिल रहा है, जो भी लास्ट नंबर मिल रहा है उसमें से अगर आप 150 को माइनस करते हैं, 150 को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास जो क्या होगी उसमें जो इकाई का अंक होगा वो आपके दोस्तों की संख्या होगी। इस तरीके से आप भाई बहन और दोस्त निकाल सकते हैं। अगर बीच में जीरो आ रहा है या लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो भाई या बहन नहीं होंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो वैदिक मैथमेटिक्स की जो भी ट्रिक अभी हमने आपको बताई इस तरीके से है, कुछ नहीं उसमें, नंबर सिस्टम पे डिपेंडेंट है। आप अगर नंबर सिस्टम को अच्छे से समझ जाएं तो फिर आप उससे ऐसे बहुत सारी टेक्निक आप निकाल सकते हो। हम लोग देखते हैं नंबर का हम लोग यूज नहीं करते हैं, जैसे बच्चों को KG 1 KG 2 में भी गिनती है, पहाड़े हैं, तो टीचर्स क्या करते हैं उनको रटा देते हैं। अगर हम उनको रटाए नहीं, उस नंबर को हम रटाए नहीं, नंबर्स कैसे आ रहे हैं, नंबर का कहाँ से प्रादुर्भाव हो रहा है, कहाँ से जन्म हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहे हैं, उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिलता है, अगर हम इस तरीके से उनको बताएंगे तो उनको आसान होगा। कैलकुलेटर पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। आजकल के बच्चों को आप 12 के आगे का पहाड़ा करने के लिए बोलो तो वो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से या मोबाइल से, और इसी कारण वो अपने ब्रेन का यूज नहीं कर पा रहे हैं। रामानुजन क्या करते थे, रामानुजन जो गणित करते थे तो ऐसा कहा जाता है कि उनको गणित करने के लिए जो उनकी कुल देवी है वहां से उनके पास आता था कि आप इसको सॉल्व करो या यहाँ पर रिसर्च करो। उन्होंने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं की, लेकिन ऐसे ऐसे फॉर्मूले उन्होंने निकाल दिए जो कि आज भी सोच का विषय बने हुए। जो गणित करते थे तो ऐसा कहा जाता है कि तो उनको गणित हमको क्या करना है, वो नंबर सिस्टम है या गणित की जो विधा है उस विधा को हमको समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है बच्चों को। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम कोई 3 अंकों की संख्या लेते हैं और 3 अंकों की संख्या के डिजिट सेम होते हैं, जैसे अगर हम लेते हैं 222 या हमने ले लिया 111 या हमने ले लिया 333 या हमने ले लिया 444, तो अगर हम इस संख्या को लेते हैं, जैसे हमने लिया 3 अंकों की संख्या 111 और इसका बीजांक ही निकालना है फिर से, तो 111 का बीजांक आता है 3, 1+1+1, तो अगर हम 111 को इसके बीजांक से डिवाइड करें तो आपको 37 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम 222 को उसके बीजांक से डिवाइड करें, 222 को अगर आप उसके बीजांक से डिवाइड करो 222 को 6 से, तो
तो आपको फिर से 37 मिलेगा। आप अगर 333 है उसको उसके बीजांक मतलब 9 से डिवाइड करोगे तो आपको 37 मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी गणित का एक एग्जांपल है। आप किसी भी 3 डिजिट नंबर को 9 तक आप ले लो, पर अगर आप उसको उसके बीजांक से डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा 37 ही आएगा, 37 के अलावा कुछ नहीं आएगा। यहां से भी आप इसको चाहो तो इसको भी आप मैजिक के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसमें इस 37 में आप चाहो तो ये बोल सकते हो सामने वाले से कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं, ये जो नंबर आ रहा है उसमें वो ऐड करके बताइए, और आपको मालूम है कि 37 आएगा ही। आप उस पैसे में से 37 को माइनस कर दीजिए, एक जादू हो जाएगा कि पता चल जाएगा आपके पर्स में कितने पैसे हैं। या आप इसमें उसका मोबाइल नंबर ऐड करा दिए जैसा अभी हमने पुराने उसमें किया, आप उसकी एज को ऐड करा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर छोटे छोटे से कैलकुलेशन वो हम लोग सॉल्व करेंगे और इस कैलकुलेशन को बच्चों के बीच में लेके जाएंगे तो उनको गणित में रुचि आएगी, गणित में थोड़ी वो जागृत होंगे गणित के प्रति, और जो गणित का डर मन में बैठ गया है वो डर हटेगा। क्योंकि देखिए गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है पर्सनली, कि गणित में ही 0 से लेकर 9 तक बस 10 नंबर होते हैं, बाकी सब्जेक्ट में तो आपको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, और गणित में पूरा खेल नंबर का है, 0 से 9 तक का है। अगर उस पे आपके 10 नंबर पे आपकी पकड़ आ गई तो समझ लीजिए आपको गणित की बड़ी से बड़ी संक्रिया को आप चुटकी में हल कर सकते हो। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो टीचर्स कंपटीशन की मैथ्स बच्चों को पढ़ाते हैं, आप देखेंगे कितना भी बड़ा प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उसमें केवल 10वीं तक की मैथ्स आती है, प्रतिशत, उम्र, हाइट, डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, यही सवाल आते हैं। तो उसको आप किताब में जो लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे का वैसा ना पढ़ा के आप उसको खुद से प्रैक्टिस करें और वो संक्रिया में क्या रिजल्ट निकल रहा है, वो रिजल्ट हमेशा कॉमन ही होगा। उस कॉमन रिजल्ट को यूज करते हुए फिर उनको ट्रिक बताएं कि आपको कैसे आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने आपको अभी स्क्वायर का एग्जाम्पल बताया, ऐसे ही स्क्वायर रूट होता है। आप रामानुजन की मैथ्स देखेंगे तो उन्होंने बड़े कठिन से कठिन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वगैरह फाइंड आउट किए हैं। तो आप वहां पर जाओगे, जब पुराना जो हम लोगों का गणित है भारतीय गणित, जब आप उसमें देखोगे, उसमें आप सूत्र देखोगे, तो जो एडवांस मैथमेटिक्स के लोग बात करते हैं बाहर से, जो अमेरिकन मैथमेटिक हो या जर्मन हो या फ्रांस से आई हो, ये सब पहले वाले पे ही डिपेंडेंट है। बस अंतर यह है कि हम लोगों ने वो कॉपीराइट नहीं है और हम लोगों ने अभी तक उसको नहीं पढ़ा, लेकिन ये लोग पढ़ पढ़ के और वहां से नए रूप में हमको वो दे रहे हैं, हमारे पास उसका कॉपीराइट नहीं है। और वही चीज जब हम देखते हैं अपने वैदिक मैथ्स में तो हमको दिखता है कि यार ये तो हम लोगों ने 3000-4000 पहले हमारे गणितज्ञों ने ये फाइंड आउट कर चुका था, लेकिन वो है कि वो संस्कृत भाषा में है और आज के समय में संस्कृत भाषा अब कठिन हो गई है, हम लोगों को इंग्लिश सरल लगने लगी है, संस्कृत भाषा कठिन लगने लगी है। तो वो फॉर्मूले याद करना, क्योंकि वो संस्कृत की भाषा में है, वो थोड़ा सा कठिन है, तो अगर उसको हम लोग इजी कर पाए, उसको हम लोग समझ पाए, तो हमारे ख्याल से जो भारतीय गणित है, जो हमारी वैदिक गणित है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। मॉडर्न मैथमेटिक्स के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे टीचर से और जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप अपने मन से भी गणित का जो भय है उसको भगाएं, बच्चों के मन से गणित का भय भगाएं। बिना गणित में अगर आपके एक्सपर्टीज नहीं है तो साइंस के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें भी आपको एक्सपर्टीज नहीं आएगी। बिना गणित के बायो साइंस है, हर एक बिना गणित कुछ नहीं होगा। सोशियोलॉजी जैसे पेपर में भी स्टैटिस्टिक्स की जब बात आती है तो वहां पर भी मैथ्स का यूज होता है। आपको कोई डाटा निकालना है, कुछ भी कैलकुलेशन करना है, भविष्यवाणी करनी है, आपको वहां पर भी मैथ्स की यूज होगा। हमारे वैदिक गणित में कैलकुलेशन है कि अगर आप हमको 5 सालों का या 6 सालों का किसी का डाटा देते हो तो हम उसके अगले 2-3 साल की भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अगर कोई गाड़ी है या कोई भी नया प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च कर रही है तो पहले उसकी वैल्यू निकलवाते हैं, जो उसका मेजरमेंट करता है वो भी मैथमेटिशियन ही होता है। हम लोगों की मैथमेटिक्स में एक ब्रांच है ऑपरेशंस रिसर्च करके,
वहां से हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी रीसेल वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको कब रिप्लेस कर देना चाहिए वो निकाल सकते हैं। हम लोग ट्रैवलिंग सेल्समैन करके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि जो सेल्स सप्लाई करते हैं वो हम लोग शॉर्ट नेटवर्किंग तैयार करते हैं, हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं। किसी कॉलोनी में अगर इलेक्ट्रिक पोल लगाने हैं तो कितने कम से कम पोल लगे और कम से कम वायर लगे वो हम लोग मैथमेटिक्स से निकालते हैं। फिजिक्स की बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं जो मैथमेटिक्स पर डिपेंड होती है, केमिस्ट्री की बहुत सारी ऐसी रिएक्शन और एक्शन है जो कि मैथमेटिक्स पर डिपेंड होती है, क्योंकि सब पे रेशियो का यूज होता है और जहां अनुपात समानुपात की बात आएगी तो वहां पर तो गणित यूज होगा ही। तो मेरा पुराना निवेदन है कि आप पुरानी जो भारतीय गणित है उसको लेकर सॉल्व करें आगे, और उसको साथ में लेते हुए गणित की जो जो भी सिलेबस में मैथमेटिक्स है स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमको गणित आसान लगेगा। प्रमोद श्रीवास्तव जी ने आज व्याख्यान के लिए मुझे बुलाया, सर का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, और आगे भी अगर इस तरीके से मौका मिलता है तो मैं चाहूंगा कि प्रयास यही है कि गणित का जो हवा बना रखा है लोगों ने, जैसा कि सर ने पहले बोला, वो हवा कैसे भी दूर हो और अधिक से अधिक बच्चे इस गणित को बिल्कुल ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर ले, मेरा यही उद्देश्य है बस। डॉक्टर साहब ने बारी है अब डॉक्टर नीलेश पांडे जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की। डॉक्टर पांडे ने जिस तरीके से मैथ्स में एक रोचकता पैदा की, अगर वो हम डे टू डे लाइफ में अपने हम क्लासरूम टीचिंग में अगर वो ला पाए तो निश्चित तौर पर जो हजारों करोड़ रुपए शासन के खर्चे होते हैं गणित का डर भगाने में बच्चों के मन से, वो सारी चीजें रुकेंगी। ये एक स्टेटिस्टिक्स है, बल्कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तो अध्यक्ष गांगुली जी जब थे उन्होंने एक बताया था कि हजारों करोड़ रुपए जो है वो इस कारण वेस्ट हो जाते हैं कि बच्चे हर विषय में पास हो जाते हैं लेकिन मैथ्स जैसे सरस विषय में वो फेल हो जाते हैं। आज हमने अपना जो व्याख्यान था वो टोटल वैदिक मैथ्स के ऊपर आधारित था, तो ये हिंदी में था क्योंकि वैदिक मैथ्स जैसा सर कह रहे हैं कि संस्कृत से आया हुआ, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो टर्मिनोलॉजी जरूर, मतलब उसमें आज जो डॉक्टर साहब ने बात करी है बीजांक की, अगर उसके टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो है क्रॉस डिजिट सम। क्रॉस डिजिट सम किसी भी नंबर के एक एक डिजिट का आपस में तब तक ऐड करते जाइए जब तक हमको सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए, डॉक्टर साहब ने ये बताया था। तो चलिए ये सारी चीजें आज तो केवल एक प्रयास था कि आप वैदिक मैथ्स की ब्यूटी को देख पाए। वैदिक मैथ्स को केवल अपना लेने से आप, यह बिल्कुल ये एक रिसर्च है, ये एक शोध है कि अगर वैदिक मैथ्स की टेक्निक से अगर आप सवाल को हल करते हैं तो आपकी स्पीड मिनिमम 7 से 8 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि चीन और जापान की जो फास्टेस्ट मैथ्स है उसका नाम है अबेकस, यूरोप की फास्टेस्ट मैथ्स है उसका नाम है ट्रेकनबर्ग, और इंडिया की फास्टेस्ट मैथ्स है वैदिक मैथ्स। लेकिन इंडिया की फास्टेस्ट मैथ्स को इंटरनेशनल, पूरे विश्व ने इसे स्वीकार किया है और 33 देशों के सिलेबस में वैदिक मैथ्स इसकी स्ट्रेंथ के कारण है। तो ये तो हमारे डॉक्टर साहब से एक करबद्ध प्रार्थना है कि फिजिकल वर्ल्ड में या पूरा एक पैकेज के रूप में हमारे टीचर्स की ये बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि कहा जाता है कि गणित के अभाव में तो भाषा भी गूंगी हो जाती है, और गणित में ही अगर बच्चे गूंगे हैं तो ये समझ लीजिए कि हमारी बाकी विषय में भी कुछ नहीं होगा। तो बड़ी सर से आप सभी के बिहाफ पे निवेदन है कि एक अच्छा मतलब सेमिनार वेबिनार जैसा आप चाहें। आज तो हमने यह रखा था कि जो हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं वो अपनी चर्चा करते हैं, चर्चा के माध्यम से विषय में रुचि जगाते हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो YouTube में जुड़े होते हैं, कई टीचर्स भी जो जिज्ञासु होते हैं विषय को जानने के वो YouTube में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर केवल आप और हम थे, इसलिए हम लोगों की बातें भी नहीं सुन पा रहे थे, उनके व्यूज भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन यह केवल एक नेशनल मैथमेटिक्स डे में भारतवर्ष की गणित के रिच जो एक परंपरा है उसको ज्ञान दिखाने का ये ट्रेलर था। डॉक्टर साहब का आपने तरीके को देखकर आप यह समझ चुके हैं
कि गणित में कितनी रोचकता है, और अगर डॉक्टर नीलेश पांडे जी जैसे अंकों से खेलना हमने शुरू किया तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों को जो है गणित जैसा विषय जो है बहुत सरस लगेगा। तो आप सभी के बिहाफ पे बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं पूरे शिक्षा जगत, पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से, कि डॉक्टर साहब ने इतने व्यस्त शेड्यूल में से समय दिया। हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं डॉक्टर साहब, और फिर निवेदन है कि और एक बार समय लेके जब हम अपना डेटा और ये सारी चीजें अच्छी रखकर एक बार फिर हम अपने, क्योंकि ये बड़ा सरस विषय था, जैसे ही आप डिसअपीयर हो जा रहे थे एक आध बार या आपकी आवाज चली जा रही थी तो मतलब पूरा एक जी हाँ मतलब मन में की क्यूरियोसिटी जो है बहुत देर तक बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह में बदल गई थी। जी बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपके साथ। कुछ और आप संदेश देना चाहेंगे तो जरूर दीजिए। निवेदन ये है कि मतलब पूरा एक गणित का एक छोटा सा पैकेज हमारे टीचर साथियों के लिए जरूर आप डिजाइन कीजिए, और जैसा भी आपके पास समय बिल्कुल सर, एक सेशन ही रख लेंगे। जी 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 बिल्कुल एक सेशन रख लेंगे, और चाहेंगे आप तो इंग्लिश में भी हो जाएगा, जी जी नहीं अभी टोटल इंग्लिश में भी हो सकता है। अभी वो कुछ बच्चों का कुछ बच्चे जुड़े होंगे। अब दिक्कत यही है कि बच्चों को मातृभाषा आती नहीं है, और वैदिक गणित को बहुत सारे लोग वैदिक जी गणित के स्ट्रेंथ में, सर ये आपसे हम एक चर्चा कर रहे हैं कि कितने विश्व के 33 देशों ने तो अपने क्यूरिकुलम में शामिल कर लिया है, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इनके बिल्कुल सर, क्यूरिकुलम में है, और हम केवल वैदिक शब्द सुन के ये घबरा जाते हैं कि ये संस्कृत का होगा, जबकि वो सारी चीजें बिल्कुल उसकी बिल्कुल टर्मिनोलॉजी जैसा आप बता रहे हैं कि इंग्लिश में भी बातें हो सकती हैं, तो जी कहीं जी कोई दिक्कत नहीं है सर। अपन पहले तो हमारे टीचर्स के लिए हिंदी में, और विद्यार्थी जो आज जुड़े थे उनके यहाँ पे यूट्यूब में वो अपना लिख कर प्रदर्शित कर रहे थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बात अपनी हिंदी हो रही थी, बीजांग को कहाँ समझेंगे, जबकि न्यूमरोलॉजी जो है पूरा पूरा एक साइंस वैदिक पैस के ऊपर ही बेस्ड है। तो जी बहुत ही सरस डॉक्टर साहब आपकी चर्चा रही है, पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं, और पुनः डॉक्टर साहब आप धन्यवाद सर। समय दीजिए बहुत।